नमस्कार दोस्तों, गोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। शहद खाना किसे पसंद नहीं है। शहद बेहद फायदेमंद होता है, चाहे वजन घटाना हो या फिर खूबसूरती बढ़ानी हो। शहद के फायदों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन क्या आपको पता है कि शहद कब तक खराब नहीं होता है? कभी गौर नहीं किया तो जरा एक बार घर में पड़ी शहद की शीशी की एक्सपायरी डेट पर गौर करें, क्योंकि शुद्ध शहद की कोई एक्सपायरी होती ही नहीं है। बच्चों को ब्रेड पर शहद लगाकर खिलाते वक्त या गर्म पानी के साथ शहद पीते वक्त आपने यकीनन ये गौर नहीं किया हो कि शहद कब तक खराब होता है। लेकिन मिस्र से लेकर कई पुरानी सभ्यताओं के इतिहास की बात करें तो आपको पता चलेगा कि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के अवशेष में शहद भी कई बार मिला है, और वो भी अच्छी कंडीशन में। शहद की लंबी उम्र के पीछे क्या राज है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने अपने एक स्टडी में पता लगाया। शोधकर्ताओं के अनुसार शहद में नमी ना के बराबर होती है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनप ही नहीं पाते या फिर जीवित नहीं रह सकते हैं। यही वजह है कि शहद लंबे समय तक खराब ही नहीं होता है, और अगर शहद खराब हो रहा है तो इसकी वजह उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट हो सकती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए जो पराग चुनती हैं, उनमें 60-80% हिस्सा जल का होता है, लेकिन शहद बनाने के दौरान मधुमक्खियां सारी नमी को हटाती हैं और बचा हुआ हिस्सा शहद के रूप में बच जाता है। इसे बनाने के तरीके से ही इसकी लंबी उम्र तय हो जाती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी ये खूबी इसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक भी बनाती है, क्योंकि शहद में किसी प्रकार का जीवन पनप ही नहीं सकता। गौरतलब है कि मिस्र की एक सभ्यता में इसका इस्तेमाल आंख और त्वचा से संबंधित रोगों के उपचार में किया जाता था, और आयुर्वेद में शहद का इस्तेमाल कई कारगर दवाओं को बनाने में किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप लंबे समय से रखे शहद की आखिरी बूंद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहद के साथ ही नमक, शक्कर, चावल, व्हाइट विनेगर, कॉर्न स्टार्च, सूखे बीन्स, प्योर वेनिला एक्सट्रैक्ट को यदि सही तरीके से स्टोर करके रखा जाए तो ये सर्दियों तक खराब नहीं होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।